छिंदवाड़ा में 10 लाख की लागत से बनेगा पशु डिस्पेंसरी भवन। विधायक अर्जुन सिंह ने भवन का किया शिलान्यास। जवाली के विधायक अर्जुन सिंह ने सोमवार को 10 लाख की लागत से चलवाड़ा पंचायत में निर्मित होने वाले पशु औषधालय भवन तथा ग्राम पंचायत पलोहड़ा में नवनिर्मित ट्यूबवेल का लोकार्पण किया। चलवाड़ा पहुंचने पर विधायक अर्जुन सिंह का प्रधान के नेतृत्व में गाँव वासियों ने जोरदार स्वागत किया गया। पशु औषधालय चलवाड़ा एक के लिए 3 साल पहले दानी सज्जन बसंत सिंह 85 द्वारा अपनी बेशकीमती भूमि दान में दी थी, लेकिन इसके बाद भी पशु औषधालय का भवन निर्मित नहीं हो रहा था। सोमवार को जवाली के विधायक अर्जुन सिंह ने भवन निर्माण का शिलान्यास किया तथा दानी सज्जन बसंत सिंह को शाल व टोपी देकर सम्मानित किया। विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि चलवाड़ा पशु के भवन के लिए अगर और धनराशि की आवश्यकता पड़ी तो वह विधायक निधि से उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने जनता के हित में कई योजनाएं चलाई हैं जिनका जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए शगुन योजना, मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना, सहारा योजना, हिमकेयर इत्यादि योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले जनता के साथ किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि जवाली के विकास को कांग्रेस ही पचा नहीं पा रहे हैं और मेरी छवि को धूमिल करने का भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों विकास योजनाओं से इलाके की चिरलंबित मांगे पूरी हुई है। यह हमारा क्षेत्र प्रौढ़ा पंचायत में पड़ता है और जहाँ पानी की बहुत मारामारी रहती है, इसके लिए विभाग ने भी, मैंने भी और मान्य जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी के प्रयासों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारा पैसा जल के लिए हमारी विधानसभा क्षेत्र में दिया। साथ ही मैं इस नलकूप को लगाने के लिए जिस परिवार ने जमीन दी है उनके परिवार के सदस्य मेरे साथ खड़े हैं, मैं अपनी सरकार की तरफ से इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज विकास तब भी संभव है जब कोई जमीन उस कार्य के लिए देगा। इस शुभ काम के लिए इन्होंने जमीन दी है, इनको भी बहुत बहुत बधाई है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका भी पत्रकार मित्रों, ग्वाली से आपका फैसला टीवी के लिए दौलत चौहान की रिपोर्ट।